हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर एजुकेशन में। यहाँ पे डेली जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है, इसलिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज हम बात करें सिकंदराबाद, जो कि आपका सेकेंड राउंड फिर से एक बार आपका कॉल लेटर प्रिंट हो जा रहा है। जिन लोगों का नहीं हुआ था अपना यहाँ पर ट्राई करिए, बहुत से लोगों का हो चुका है जिनका आपका 19 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको कॉल लेटर प्रिंट करना है, तो और इसमें बताएंगे आपको जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, तो हम आपको बता दें कि क्या क्या लेकर जाना है। तो इस वीडियो में हम पूरा आपको यही फुल डिटेल बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दें, अगर आप जनरल से आते हैं, जो कि यूआर होता है जनरल, तो अगर आप उससे आते हैं तो आपको केवल आपका 10th का जो आपको मार्कशीट है उसको लेकर जाना है, और आपको 10th का मार्कशीट, और उसके बाद से आपको आईटीआई का लेकर जाना है, आपको आईटीआई का, उसके बाद से आपको अपना फ़ोटो लेकर जाना है, और उसके बाद जो अपना डॉक्यूमेंट्स लगाया था, आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड जो भी, उसको आपको ओरिजिनल सभी लेकर जाना है। उसके बाद से आपको वहाँ पर जो आपको कॉल लेटर मिला है, उसको कॉल लेटर को आपको वहाँ पर दो उसमें फॉर्म है, एक यूनिट सेलेक्ट करने के लिए है, तो अभी हम आपको सब दिखाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बन रही है। तो हम आपको वो कॉल लेटर लेकर जाना है, और उसके बाद जो आपको यूनिट सेलेक्ट करने के कहाँ आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसको आपको लेकर जाना है। उसके बाद से आपको वहाँ पे मेडिकल, जो बहुत लोगों का मन में बना है, तो मेडिकल आपका अभी नहीं हो रहा है, मेडिकल आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम अभी आपका मेडिकल होगा, मेडिकल अभी आपका वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक करना है तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। और इसमें आपको सबसे फर्स्ट एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आपके पास सेंट्रल का जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आया, जो अगर आप ओबीसी एसटी से आते हैं उनके लिए बता रहे, जनरल के लिए तो नहीं लगता है, तो आपको सेंट्रल का जो आपका भारत सरकार का आपका होता है वही आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना है। जो आपका स्टेट का होता है, स्टेट का वहाँ पर कोई मान्य नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है स्टेट वाला, सॉरी, जो आपके पास स्टेट का है सेंट्रल का नहीं है, तो उसमें आपको एक हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको आपको प्रिंट कराना है। उसमें ओबीसी के लिए, ओबीसी और एसटी और एससी सबके लिए वहाँ पे दिया गया है अलग अलग, उसको आपको प्रिंट कराने कराकर यहाँ पर आपको डीएम का जो आपका सिग्नेचर होता है, डीएम का सिग्नेचर वहाँ पे करा उरा के आपको लेके जाना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है तब वो लेकर जाना है, अगर सेंट्रल का है तो अच्छी बात है, आपका उसी पर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कॉल लेटर कैसे आपको प्रिंट करना है जिनका जिनका नहीं आया है। तो देखिए, इसी वेबसाइट पे आपको आना है, इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, यहाँ पर कॉल प्रिंट पे, प्रिंट कॉल लेटर पे आपको करना है। जैसे आप इस पर करेंगे तो आपको ऐसे देख, तो जैसे आप प्रिंट पर करेंगे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, एक मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा था, तो ऐसे आपको आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक यूनिट मिलेगा, किस यूनिट में आप करना चाहते हैं इसमें आपको वहाँ पर ले जाकर फिल करना है। इसको आपको अभी फिल यहाँ पर नहीं करना है, वहाँ पर ले जाकर आपको फिल करना है, और आपको जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा सबको फोटो कापी करा कर ले जाना है। ये सब आपको सब अपने ही यहीं से निकलवा कर ले जाना है, वहां पे आपको नहीं निकलवाना है, क्योंकि वहां पर कहां आप ढूंढेंगे, तो इसलिए आप लोग यहीं से निकलवा के लेके जाइए। और अब इसमें आपको बताएंगे कि अगर आपके पास नहीं सेंट्रल सर्टिफिकेट है तो उस समय आपको क्या करना है, तो चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं, उस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं रहता है तो आपको जो यहाँ पर ए नंबर दिख रहा है इसी को, इसमें बहुत सारे पेज हैं, तो आपको वो नहीं पेज प्रिंट कराना है, केवल आपको जो अगर आप एसटी एससी से आते हैं तो आपको इस पेज को कराना है। देख लिया आप एसटी एससी के लिए, तो अपने यहाँ पे अपने नाम फिलअप फिलअप करना है आपके, और अपने यहाँ पे इस सब फिलअप करके यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट से मजिस्ट्रेट से आपको यहाँ पे सिग्नेचर वोचर कराना है, जो भी यहाँ पर दिया गया है उसको आप लोग सिग्नेचर वोचर करा लेना है। और इसके बाद अगर आप जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे उस फॉर्मेट को आपको प्रिंट कराना है, तो हम आपको बता जाएगा। जिनके पास सेंट्रल का नहीं है उसके लिए ये है, बाकी लोगों के लिए सेंट्रल का है तो चल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करा कर लेकर जाना है। तो मेडिकल के लिए आपका कोई अभी टेंशन नहीं है, मेडिकल आपको ज्वाइनिंग टाइम में होगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें सैलरी, तो एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका हो गया सिलेक्शन, 7 तारीख को उनका वेरिफिकेशन था, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे पुराने लड़कों से पूछे तो वहाँ पे 9,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है पर मंथ। तो चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।